हेलो वीवर्स, SRK स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक नए सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। वो सीरीज़ बेसिकली 3D स्केचअप के से रिलेटेड है कि आज के सीरीज़ में हम स्केचअप के बारे में सीखेंगे कि स्केचअप क्या सॉफ्टवेयर है और इसको हम किस तरीके से 3D मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। तो ये मैंने स्केचअप ओपन किया है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक शख्स खड़ा हुआ है। बेसिकली ये हमारे पास प्रीव्यू स्क्रीन है, सही है, डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये जो शख्स खड़ा हुआ है, सही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा डमी है। तो ये हमारे पास एक्सिस है, एक ये रेड एक्सिस है, ये ग्रीन एक्सिस है और ये ब्लू एक्सिस है। इस तरह हमने इस प्रीव्यू स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये एक्सिस जो है वो डिवाइड है। इसको आपने जहन में रखना होगा। इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, सही है। यहाँ से ये हमारे पास, यहाँ पर हम मॉडलिंग करेंगे, ये हमारे पास स्क्रीन है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये मेजरमेंट आ रही है, सही। यहाँ मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर हम जो भी साइज़ वगैरह देंगे वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली लार्ज टूल्स है। ये लार्ज टूल्स जो है इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें डिफरेंट जो है वो मॉडिफाई और ड्रॉइंग मॉडलिंग जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये हमारे पास लार्ज टूल बॉक्स है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने स्केचअप ऑन किया तो यह यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी ये यहाँ पर मौजूद नहीं होता, गायब होता है, जैसे इसको आप यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकते हो, या आप जब स्केचअप ऑन करें और ये मौजूद ना हो, यहाँ से गायब हो, तो इसको आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर ये बार है, इस बार के अंदर आप किसी भी एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा लार्ज टूल सेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो टूल सेट जो है वो सामने आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम इस टूल को लेकर आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बार जो आपको नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंट जो है वो आपको जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर जो है जैसे ये व्यू है, तो व्यू के अंदर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करते हैं उसके को किस तरफ की व्यू हमें चाहिए तो वो आपको दिखा देता है, सही है। तो बेसिकली हम फिलहाल जो काम कर रहे होते हैं हम वो किस पे कर रहे होते हैं, हम ISO पे कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डिफरेंट ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फाइल है, एडिट है, व्यू है, कैमरा है, ड्रॉ है, इस तरह से दीगर चीज़ें हैं। इसको एक एक चीज़ के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉडलिंग मैं करूँगा उसका यूनिट क्या है, तो यूनिट किस तरीके से मालूम करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ में आने के बाद मॉडल इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा यूनिट। तो यूनिट हमने कौन सा सिलेक्ट किया, हमने आर्किटेक्चरल यूनिट सिलेक्ट किया है, सही है। तो इस तरह आप अपने मॉडल के यूनिट को जो है वो सेलेक्ट कर देख सकते हैं कि आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं, सही। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर हम मॉडलिंग शुरू करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो सब आपके समझने के लिए काफ़ी हो। तो बेसिकली क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी चीज़ ये क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट रे है, ये क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊँगा ज़रा सिस्टम जी। तो ये जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से आए। अब ये डिफ़ॉल्ट ट्रे कहाँ से आएगा, डिफ़ॉल्ट ट्रे हमारे पास यहाँ से आएगा। इस डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सीन्स है, इंटाइटल फो है, मटीरियल्स है, कंपोनेंट्स है, स्टाइल्स है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आएंगी। लेकिन अभी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर आएंगे और ये आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगे, सही है। तो अब ये जो है हमारे पास लार्ज टूल सेट जो है इसके अंदर, एक तो ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा कर्सर, जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये पेंट बकेट है, आप मटेरियल अप्लाई करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को इरेज करना हो तो ये, किसी चीज़ को लाइन को ड्रॉ करना हो तो यहाँ से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। यहाँ से अगर आपने जो है वो
डिफरेंट पॉली लाइन जो है वो एक तरीके से या इरेगुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा रेक्टेंगल है, यहाँ से आप रेक्टेंगल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रोटेटेड रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का रेक्टेंगल आपको चाहिए, रोटेटेड किसी एंगल खास एंगल पे आपको रेक्टेंगल चाहिए तो ये आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा। सर्किल है, सर्किल यहाँ से आपको ये मिल जाएगा जैसे ना। अब इसके शॉर्टकट कीज़ भी है, लेकिन वो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा जो है वक्त के साथ साथ जब हम मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। पॉलीगॉन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉलीगॉन है, आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया। अब इसके क्या है पॉलीगॉन, अब यहाँ पर ये आपसे साइड पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड्स कितने आपने बताने, आपने बताने 6 साइड्स चाहिए तो ये 6 साइड आपको देगा, सही है। जैसे 1 2 3 4 5 6, सही। अब जितने साइज आप बताएंगे उतने साइज ही आपको देगा, आपने 10 बताए तो ये 10 साइज आपको देगा, सही है, साइड्स देगा। तो इस तरह ये है, और ये रेक्टेंगल, इसके अलावा ये आर्क है और 2 पॉइंट आर्क वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसको मैं आपको इसके इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो थी, ये बेसिकली बेसिक चीज़ें थी जिससे आप समझ कर जो है वो मॉडलिंग शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल में लेता हूँ, यहाँ से जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया यहाँ से, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी वैल्यू यहाँ से कुछ बनी हुई है, सही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फिट का आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगल लेते हैं या ऐसी कोई रेक्टेंगल लेते हैं, आपने यहाँ से ये रेक्टेंगल लिया। अब ये रेक्टेंगल लेने के बाद ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सही। अब इस रेक्टेंगल को लेने के बाद मुझे इसको क्या करना है, पुश करना है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये 2D है, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप इस पुश टू पुल टूल का इस्तेमाल करें, या जो है P इंटर करके इसको आप जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं। या दूसरी बात ये, फॉर एग्जांपल आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं लेकिन 10 फीट पे या किसी खास वैल्यू पे लेकर जाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 फीट पर, हाँ 10 फीट हाइट देना चाहता हूँ, तो ये इसकी 10 फीट हाइट हो गई, सही है। तो इस तरह से अब ये आपको हाइट इसकी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, सही है। तो इसकी हाइट आपको जो है वो बेसिकली ज़्यादा नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से क्या होगा कि हम यहाँ से इसमें जाएंगे, मॉडल इन्फो के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने इसको क्या किया हुआ, आर्किटेक्चर किया हुआ है, यहाँ से आप इसको 0 0 करें और ख़त्म कर दें इसको, सही है। तो इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ करते हैं उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, सही है। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा वो करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सही। तो इस तरह से करके आप इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से इसके आप इस्तेमाल पुश एंड पुल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स मैंने बनाया, इस बॉक्स के ऊपर जो है वो मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, तो जैसे इस ट्रे के ऊपर, इसके ऊपर मैं बकेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ से मैं क्या है मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल इसके नज़र आ रहे होंगे, सही है। तो यहाँ से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना है मुझे ब्रिक्स एंड वॉल क्लेडिंग, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, जो भी मटेरियल मैं सेलेक्ट करूँगा वो मैं यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकूँगा, या कोई और मटेरियल जैसे लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कोई मटेरियल लेते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं, तो हम इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से हम उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर कोई और इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट, हम फॉर एग्जांपल सर्कल लेते हैं, यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब सर्कल का रेडियस आप कितना देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे दें। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको 3 इंचेस। 3 इंचेस देने के बाद इसको आप क्या करते हैं, ऊपर पुश करते हैं, तो आप इसको यहाँ से आराम से पुश कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं
कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉ करते हैं उसको पुश एंड पुल हम कर सकते हैं। तो अब इस तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट जो आप लेना चाहे तो उसको भी आप इस तरह से ड्रॉ करके इसको ऑब्जेक्ट को जो है वो पुश एंड पुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आए, यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, सही। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्केचअप के अंदर जो है वो मॉडलिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, वो लार्ज टूल के बारे में थी, डिफ़ॉल्ट ट्रे के बारे में थी, बेसिक जो चीज़ें थी मेजरमेंट के बारे में थी, सही। और इसके अलावा जो है यहाँ से हम यूनिट किस तरह देख सकते इस मॉडल का, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डायमेंशन आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर ये टेप मेजर टूल है, ये डायमेंशन है, तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन को मालूम कर सकते हैं। जैसे 1 इंचज़ है, ये जो है वो 3 इंचज़ है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन को मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो स्केचअप के बारे में पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो।